नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंग्लैंड के खिलाफ साउथहैम्पटन में खेले जा रहे 3 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान के बल्लेबाज फवाद आलम को मौका दिया था। 11 साल बाद टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष के बाद आखिरकार वो प्लेइंग 11 में शामिल हुए। ये मुकाबला उनके लिए बेहद यादगार था, लेकिन पहली पारी में वो बिना खाता खोले ही वापस लौट गए। बुधवार को सीरीज के लगातार दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान के कप्तान अजहर अली ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही और अनुभवी गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने पिछले मैच में शतक लगाने वाले सैन मशूद को 1 रन पर आउट कर दिया। आबिद अली के साथ मिलकर कप्तान अजहर अली ने टीम को 78 तक पहुंचाया, लेकिन एंडरसन ने उनको आउट कर दूसरी सफलता हासिल की। इसके बाद 60 रन बनाकर आबिद अली भी आउट हो गए। टीम गहरे संकट में नजर आ रही थी और इसके बाद फवाद आलम बल्लेबाजी करने के लिए आए। पाकिस्तान के लिए टेस्ट प्लेइंग 11 में 3,910 दिन यानी कुल 11 साल बाद जगह बनाने वाले फवाद आलम के लिए वापसी यादगार नहीं रही। पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतरे फवाद महज 4 गेंद खेलकर वापस पवेलियन लौट गए। फवाद आलम अपना खाता भी नहीं खोल पाए। क्रिस वोक्स ने फवाद आलम को LBW आउट कर वापस पवेलियन भेजा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।